सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर फटकार लगाई है। बढ़ते मामलों की वजह से राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की होड़ मच गई है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को नए दिशा निर्देश जारी करने पड़े। महाराष्ट्र की ओर से मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन सप्लाई रोक के जाने के बाद से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है कि मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट पर प्रतिबंध न लगाया जाए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि अस्पताल में भर्ती प्रत्येक कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की आबाद और समुचित आपूर्ति हो। बता दें कि कुछ राज्यों द्वारा विभिन्न प्रावधानों के तहत मेडिकल ऑक्सीजन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने पर रोक लगाने की कोशिश करने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह कहा है कि अस्पतालों में भर्ती प्रत्येक कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की आबाद और समुचित आपूर्ति करना राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह बात भी सामने आई है कि कुछ राज्य अपने यहाँ स्थित निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति सिर्फ राज्य के अस्पतालों में करें। इसे देखते हुए मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करे कि उनके यहाँ मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा न डाली जाए। राज्यों को यह कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन एक जरूरी जन स्वास्थ्य सामग्री है और इसकी आपूर्ति में व्यवधान आने से देश के दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमितों की प्रबंधन पर असर पड़ेगा। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।